आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आपको ऑलरेडी पता है, फ्रेंच काफका बहुत बड़े राइटर हैं। काफकाज इनका एक जाना माना नाम है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो ये जो वर्क है द मेटामॉर्फोसिस, ये उनके द्वारा एक शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं, आप एक नोवेला कह सकते हैं, जिनको इन्होंने 1915 के अंदर जर्मन लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किया, और बाद में इसको 1933 के अंदर फर्स्ट टाइम इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुआ। और ये वर्क आज भी एक जाना माना इसकी रेपुटेशन है, इसका नाम है। तो ये एक्चुअली जो वर्क है, ये आपको ये कह सकते हैं कि इनके अंदर, इस वर्क के अंदर इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिलते हैं। आपको पता होगा जो फ्रेंच काफका थे, उनके जो पेरेंट्स थे, जो फादर थे मोस्टली, उनका एक फियर जो है उनके लाइफ टाइम उनके ऊपर रहा। यानी कि आपके फादर से वो बहुत ज़्यादा डरते थे, और उनका प्रभाव जो है वो पूरी ज़िंदगी भर उनके वर्क्स में देखने को मिलता है। तो ये जो वर्क है, ये 1915 में जर्मन लैंग्वेज के अंदर पब्लिश होता है, 1933 के अंदर इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। और फ्रेंच काफका का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1883 से लेकर 1924, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और नोवेला रिटन बाई जर्मन लैंग्वेज ऑथर, इन जर्मन लैंग्वेज, एक जर्मन ऑथर है, जर्मन लैंग्वेज के अंदर इस वर्क को लिखा जाता है। और मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग क्या है वो जान लेते हैं। मेटामॉर्फोसिस मीन्स ए चेंज ऑफ फिजिकल फॉर्म और स्ट्रक्चर और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि बियॉन्ड द ह्यूमन बींग, बियॉन्ड द थिंकिंग। सो आपको ये समझ में आया होगा कि मेटामॉर्फोसिस क्या है, एक चेंज है वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इसमें एक ग्रेगर की कहानी है, ये ग्रेगर सैमसा की कहानी है, और ग्रेगर सैमसा क्या है, एक ट्रेवलिंग सेल्समैन है एंड ओनली ए ब्रेड विनर इन हिज फैमिली। जो ग्रेगर सैमसा है, एक ट्रेवलिंग सेल्समैन है और ब्रेड विनर इन हिज फैमिली, यानी कि सिर्फ अकेला कमाने वाला है। और इसका एक रात, वन नाइट क्या हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। यानी कि इसकी जो बॉडी है, ग्रेगर सेम्सा की, वो चेंज हो जाती है इनटू एन इंसेक्ट। इसकी बॉडी जो है वो इंसेक्ट के अंदर, यानी कि एक कीड़े के अंदर, एक जियांट इंसेक्ट की अंदर क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो ये टाइप से कहानी है। और ये जो सेम्सा है, इसका मतलब होता है बींग अलोन, बींग अलोन यानी कि अकेला पड़ जाना। यानी कि सोच के देखिए, जब कोई इंसान अगर वो कीड़ा बन जाए तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। ये उस हालात को ये यहाँ इस वर्क के अंदर दिखा रहे हैं। मैं इस पूरी की पूरी कहानी को आपको एक हिंदी में बताऊंगा, इजी से इजी लैंग्वेज में। आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये जो कहानी है इसको हिंदी में समझोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, और आपको पूरा प्लॉट भी समझ में आ जाएगा। इसमें खास करके एक जो करेक्टर है वो ग्रेटे, एक ग्रेटे नाम याद रखें, जैसे मिस्टर सैमसा, मिस्टर सैमसा जिनके फादर हो गए, मिसिस सैमसा जिनकी मदर हो गई, और मिसिस ग्रेटे, ये ग्रेटे इनकी सिस्टर है। ग्रेटे इनकी कौन है, सिस्टर है। तो ये एक कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर ग्रेगर सैमसा के मिस्टर फादर, ये फादर हो गए, ये मदर और ये सिस्टर। तो ये एक प्लॉट है छोटा सा। अब हम इसकी हिंदी में एनालिसिस करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हिंदी में। यह एक ट्रैवलिंग सेल्समैन ग्रेगर सैमसा के बारे में है, जो एक दिन उठता है और पाता है कि वह एक विशाल कीट में बदल गया है। ग्रेगर की आवाज़ बदल गई है, इंसान अब उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। दूध और ब्रेड में अब ग्रेगर को बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है, अब तो उसे केवल सड़ागला बासी भोजन अच्छा लगता है। उसका परिवार उससे अब घृणा करने लग गया है, क्योंकि अब वह आय अर्जित करने में असमर्थ है। ग्रेटे, जो ग्रेगर की छोटी बहन है, वह भी अब उसकी देखभाल करते करते थक गई है, और महसूस करती है कि उसका अस्तित्व परिवार के लिए कितना बोझ बन गया है। जब एक कीड़ा इंसान से जब कीड़ा बन जाए, तो जाहिर है वो डेफिनेटली परिवार के लिए एक बोझ बन जाएगा। तो ये बोझ बन गया है। अपने माता पिता से कहती है उन्हें ग्रेगर से छुटकारा पाना चाहिए, अन्यथा वे सब बर्बाद हो जाएंगे। ग्रेगर अपनी छोटी बहन ग्रेटे को वायलिन सीखने के लिए भेजने की योजना बनाता है। दुर्भाग्यपूर्ण
वह उसके सपनों और उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, पूरा नहीं कर पाता है। ग्रेगर को समझ आ जाता है कि अब उसकी उसके परिवार में कोई ज़रूरत नहीं है। वह बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में वापस जाता है और सूर्योदय से पहले मर जाता है। तो ये ग्रेगर सैमसा की कहानी है कि अब ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये इंसान को जब तक पसंद करता है, जब तक उसकी वैल्यू समझता है, जब तक इंसान पैसे धन दौलत कमा के लाता है। मगर ग्रेगर सैमसा की इसमें गलती कहाँ है? वो तो इंसान से जो कीट जो है, इंसेक्ट जो है, वो खुद नहीं चाहता था, मगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो अब वो उसकी ज़िंदगी जो है वो नरक जैसी हो गई है और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा और एक दिन वो घुट घुट कर दम तोड़ देता है। तो ग्रेगर सैमसा की कहानी जो है ये बताते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इसके अंदर फ्रेंच काफ्का के। जो फ्रेंच काफ्का हैं वो भी बताते हैं कि इस दुनिया से घुट घुट कर लास्ट में दम तोड़ देता है। हम इसके कुछ और भी पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। ये जो स्टोरी है इज नॉट साइंस फिक्शन, ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है बट साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल फिक्शन। साइकोलॉजिकल भी है और फिलोसफिकल फिक्शन भी है। काफ्का हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन नेचर थ्रू एन इंसेक्ट। काफ्का ने क्या डिस्क्राइब किया है? ह्यूमन नेचर को दिखाया है थ्रू एन इंसेक्ट विद ग्रेट ईज एंड इंटरेस्ट। ग्रेट ईज एंड इंटरेस्ट यानी कि इसमें ह्यूमन नेचर दिखाया है कि जब इंसान जो वो कमाने के लायक नहीं होता, जब वो धन संपत्ति कमा नहीं पाता है, तो उसकी समाज में क्या हालत हो जाती है, उसको समाज किस नज़रिए से देखता है, उसको यूजलेस नज़रिए से देखता है और ये सोचते हैं कि गट रीड कैसे भी हो जाए, हमारा इससे कैसे भी पीछा छूट जाए। तो इस कहानी में भी यही है, जब वो इंसेक्ट बन जाता है, उसका मेटामोरफोसिस हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है, जब वो इंसान था तो उसे कैसे उसकी एक वैल्यू थी, एक कैसे एक प्रतिष्ठा थी, एक रेपुटेशन थी, और जैसे वो इंसेक्ट हो गया, यानी कि जब वो ही इज नॉट एबल टू अर्न, ही इज नॉट एबल टू अर्न द मनी, तो उस टाइम वही जो फैमिली है वो उसको किस नज़रिए से देखने लगी, वही इंसान उस फैमिली के ऊपर क्या बन गया, बोझ बन गया। तो इसके अंदर मनी थीम्स इन दिस वर्क जैसे इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, पहली थीम है इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। नेक्स्ट है डिटैचमेंट यानी कि अलिनेशन, अलगाव, फैमिली ड्यूटी, गिल्ट होती है। कब? ग्रेगर सैमसा को गिल्ट होती है जब वह अपनी बहन ग्रेटे को वायलिन सिखाने की इच्छा करता है और जब वो इंसान से इंसेक्ट बन जाता है, वो ही बिकेम हेल्पलेस। जब ये हेल्पलेस बन जाता है उस टाइम उसको गिल्ट होती है कि मेरा ड्रीम जो है मेरी बहन का वो अधूरा है। पर्सनल आइडेंटिटी और लास्ट में पर्सनल आइडेंटिटी जब उसको सब नकार देते हैं, तब लास्ट में जो ग्रेगर सैमसा है वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करता है और जब नहीं मिलती है उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, उसका समाज में कहीं ऊपर कोई स्थान नहीं मिलता है, तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो डाइड हो जाता है। तो हमने इस स्टोरी को आपको समझाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, आप भी समझते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।